गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट क्लास तक हमने अध्याय 9 के बारे में सभी महत्वपूर्ण टॉपिक्स का अध्ययन कर लिया था। आज की क्लास में हम प्रश्नावली 9.1 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्नावली 9.1 में जो हमारा पहला सवाल है वह है, निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक में पद और गुणांक को पहचानिए। अर्थात हमें देखना है उसमें पद कौन सा है और गुणांक कौन सा है। तो गुणांक के बारे में हमने अध्ययन किया था, किसी भी चर पद के संख्यात्मक मान जो उसकी गुणा में हो वह उसका गुणांक कहलाता है। जैसे यहां हम देखें तो एक्स वाई चर है, इसके गुणा में क्या है यानी कि गणित का अक्षर कौन सा है, तो वह 3 है, तो इसका गुणांक कहलाएगा 3। तो इस तरह से हमें देखना है। तो हम करते हैं पहले सवाल की तरफ, कॉलम बना देते हैं 2। पहले में हम पद लिखेंगे और दूसरे में गुणांक लिखेंगे। हम बात करते हैं पहले की, तो पहले में देखिए कितने पद हैं, तो ये द्विपदीय है, एक पद और यह दूसरा पद। तो पहला पद है 5xyz² और दूसरा पद है -3yz। अब देखिए पद को हमने पहचान लिया, अब हमें पहचानना है गुणांक को। तो इस पहले पद में गुणा के रूप में कौन सी संख्या है, तो यह हमारा चर पद कहलाएगा, तो इसके गुणा में हम देखें तो प्लस का 5 है, तो इसका गुणा हो जाएगा प्लस का 5। और इस दूसरे पद में यदि हम देखें तो यह जो वाई जेड है यह हमारा चर पद है और इसके गुणा में क्या है, तो गुणा में -3 है, तो यही हमारा कहलाएगा गुणा। बढ़ते हैं इसके दूसरे पॉइंट की तरफ, 1+x+x², तो पहला पद हो गया 1, दूसरा हो गया x और तीसरा हो गया x². यहाँ 3 पद है, ये त्रिपद है, एक पद दूसरा पद और तीसरा पद। अब पहले के अंदर हम देखें तो चार पद नहीं है, तो हम गुणा में देखेंगे क्या है, सिर्फ एक ही है, तो सिर्फ एक आएगा। यहाँ x है, तो जहाँ कुछ भी नहीं है हम वहाँ गुणा में एक लगा सकते हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ भी हमारा जो गुणांक हो जाएगा वह एक हो जाएगा, और जो x² है इसका गुणा क्या होगा, इसका गुणांक होगा इसका भी 1। तो इस तरह इसका आंसर भी आ जाएगा 1। बढ़ते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ, पहला पद है x/2, दूसरा पद है y/2 और तीसरा पद है -xy। यदि हम इसमें पहले पद की बात करें तो पहला पद हमारा क्या है, x/2, इसमें हमें इसका गुणांक देखना है। तो x/2 को मैं इस तरह से भी लिख सकते हैं, x/2 को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, क्योंकि x के गुणा में नहीं है तो हम गुणा में 1 लिखेंगे, तो x हट जाएगा, तो पीछे क्या बचेगा 1/2, तो यही इसका गुणांक कहलाएगा, तो इसका गुणांक हो जाएगा प्लस का 1/2। सिमिलर इसकी तरह इसको भी अपन इस तरह से लिख सकते हैं, तो भी इसका मान y/2 होगा, तो इसका उत्तर भी प्लस का 1/2 आएगा। और यहाँ एक्स वाई है तो माइनस का एक्स वाई है, इसके गुणा में कुछ नहीं है, तो गुणा में हम -1 यानी कि एक्स वाई हटा देंगे, तो पीछे क्या बचेगा, माइनस का चिन्ह, और गुणा में 1 तो होता ही है, तो इसका उत्तर हो जाएगा -1। बढ़ते हैं लास्ट पॉइंट की तरफ, 0.3a माइनस का 0.6ab और लास्ट में दिया हुआ है प्लस का 0.5b। अब यदि इसकी बात करें तो पहले पद में देखें, यदि हम चर पद को हटा दें, एक को हटा देंगे, तो पीछे बचेगा प्लस का 0.3। इसी तरह दूसरे में यदि हम ab को हटा दें यानी चर पद को हमें हटा देना है, तो यहाँ बचेगा माइनस का 0.6 और लास्ट है इसमें यदि हम b को हटा देंगे तो प्लस का बचेगा 0.5। तो किसी भी संख्या का यदि हमें गुणांक देखना है तो जो भी उसमें चर पद है उसको आप हटा दीजिए। जैसे इसमें यदि हम चर पद है y और z, यदि हम इसको हटा देंगे तो देखिए पीछे क्या बचा, -3, तो वही हमारा गुणांक कहलाएगा। यानी कि कहने का मतलब जो भी चर पद हो उसको आप हटा दीजिए तो हमें उसका गुणांक मिल जाएगा। बढ़ते हैं दूसरे सवाल की तरफ,
दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित को योग ज्ञात कीजिए, अर्थात हमें इस बार जोड़ करनी है। तो हमने जोड़ के लिए दो विधि सीखी थी, एक सीखा था कॉलम विधि और एक सीखा था रो विधि। जैसे लास्ट क्लास में भी हमने देखा था 10 और 12 को यदि हम जोड़ना है तो हम इस तरह से भी जोड़ सकते हैं और इस तरह से भी जोड़ सकते हैं। तो यह जो विधि है यह हमारी विधि कहलाएगी कॉलम विधि और यह विधि कहलाएगी हमारी रॉ विधि। यह कहलाएगी कॉलम विधि, यह है रॉ विधि। तो हम सवालों को कॉलम विधि से करेंगे, आसानी से हल हो जाएगा। देखते हैं पहले सवाल की तरफ। दूसरे का पहला पॉइंट है ए बी माइनस बी सी, बी सी माइनस सी ए और सी ए माइनस ए बी। तो हमने लास्ट क्लास में सीखा इसको सरल करने का तरीका, इसमें कुल कितने बहुपद हैं, यह पहला, यह दूसरा, यह तीसरा, यानी कि इनमें कुल तीन बहुपद हैं, इनको हमें जोड़ना है। तो पहले बहुपद को वैसा वैसा लिख लो ए बी माइनस बी सी। अब हमें बहुपद को आगे वाले जो बहुपद है वो नीचे वाली लाइन में लिखेंगे, लेकिन हमें ध्यान रखना है लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म आएगा, अर्थात समान पद के नीचे समान पद आएगा। कैसे, दूसरे जो हमारा बहुपद है इसमें पहला नाम है BC, तो BC को यहाँ लिखेंगे या फिर यहाँ लिखेंगे। तो हम देखते हैं यहाँ BC को नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे जो हमारा चर पद है वह AB है, तो इसके नीचे केवल AB की टर्म आएगी, इसके नीचे BC की टर्म आएगी। तो BC हमारा प्लस का है तो BC यहाँ आ जाएगा, और CA, CA ऊपर कहीं नहीं है तो इसको हम साइड में लिख लेंगे, जो चीज़ नहीं होगी उसको हम साइड में लिख लेंगे। अब तीसरी टर्म यह है, इसमें हम देखें CA, तो CA कहाँ है, यहाँ है, तो CA के नीचे CA आएगा। और दूसरा माइनस का ए बी, क्या ए बी यहाँ आएगा, तो हम देखें यहाँ बी सी है तो ए बी यहाँ नहीं आएगा, ए बी, ए बी के नीचे आएगा, तो यहाँ हो जाएगा माइनस का ए बी। जब हम योग करते हैं तो चिन्हों को परिवर्तन नहीं करेंगे, जब हम घटाव करेंगे तो चिन्हों का परिवर्तन करेंगे। तो इस बार हमें चिन्हों को परिवर्तन नहीं करना है, तो हम देखते हैं यह सी ए माइनस का, ये सी ए प्लस का, कट गया। इसी तरह यह बी बी सी माइनस का, यह बी सी प्लस का, यह भी कट जाएगा, और या ए बी प्लस का है या ए बी माइनस है, ये अभी आपस में कट जाएगा। तो लास्ट आंसर हमारा आएगा 0, क्योंकि कुछ भी नहीं बचेगा, सब आपस में कट गए। बढ़ते हैं इसके दूसरे पॉइंट की तरफ। दूसरा है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, एन स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और लास्ट में हो जाएगा 2LM टू एम एन और टू एल एन। तो यहाँ हम देखें यह पहला बहुपद, यह दूसरा बहुपद, यह तीसरा और यह पूरा एक चार, तो कुल मिला के चार बहुपद है। तो इसको हम सरल करेंगे, तो पहले बहुपद को वैसे लिख लीजिए एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। अब दूसरे बहुपद में पहला पद क्या है एम स्क्वायर, तो एम स्क्वायर के नीचे एम स्क्वायर आएगा, और एन स्क्वायर कहीं नहीं है तो उसको हम साइड में लिख लेंगे। अब तीसरे बहुपद में है एन स्क्वायर, तो एन स्क्वायर के नीचे एन स्क्वायर, और एल स्क्वायर आएगा एल स्क्वायर के नीचे। अब ये लास्ट बहुपद है 2LM, 2LM कहीं नहीं है तो वो साइड में आ जाएगा, 2MN वह भी कहीं नहीं है और यह भी हमारा कहीं नहीं है तो ये साइड में आ जाएंगे। जो बहुपद नहीं मिलेगा उसको हम साइड में लिख लेंगे। अब हम इसको आपस में सरल करते हैं, तो ये पीछे वाला तो सेम आ जाएगा क्योंकि ऊपर कुछ भी नहीं है जिससे हम इसको जोड़ सकते हैं। यहां हम देखें एन स्क्वायर एन स्क्वायर दोनों प्लस के हैं तो मिलके हो जाएंगे 2N2। इसी तरह यह एम स्क्वायर या एम स्क्वायर ये भी मिलके हो जाएंगे 2M2, और यह एल स्क्वायर है या एल स्क्वायर है यह भी मिलकर हो जाएगा 2L2। अब यदि हम इसको थोड़ा और सरल करें, इसको हम देखें तो देखिए यहां भी 2, यहां भी 2, यहां भी 2, सब जगह देखें तो 2 कॉमन आ रहा है। इस पूरे बहुपद में हर एक पद में 2 आ रहा है तो 2 को हम कॉमन ले लेंगे। अब पीछे क्या बचेगा कोष्टक में लिख लेंगे, तो यहाँ एल स्क्वायर बचेगा, यहाँ एम स्क्वायर बचेगा, यहाँ एन स्क्वायर, वापस समझिए कैसे आया यह।
तो देखो यहां भी टू कॉमन है, इधर भी टू आ रहा है, इन सभी बहुपद में टू कॉमन आ रहा है। तो इसको यदि हम टू कॉमन लेंगे यानी कि दो को बाहर लिख लिया तो यहाँ क्या बचेगा, एल स्क्वायर, इसी तरह यहाँ एम स्क्वायर, इधर क्या बचेगा एन स्क्वायर, यहाँ से भी टू चला जाएगा तो एल एम यहाँ से चला गया और फिर यहाँ से भी चला जाएगा, तो जो बचेगा वो हमने कोष्ठक में लिख लिया। बढ़ते हैं इसके लास्ट पॉइंट की तरफ। पॉइंट नंबर तीन, टू पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस तीन पी क्यू प्लस का चार, दूसरा है पांच प्लस सात पी क्यू और माइनस का तीन पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। यहां हम देखें तो दो बहुपद है, या पहला बहुपद और या दूसरा बहुपद। तो पहले बहुपद को तो हम वैसा ही लिख लेंगे जैसा लिखा हुआ है, अब जो हमारा दूसरा बहुपद होगा उसमें हमें क्या ध्यान रखना है कि समान पद के नीचे समान पद आना चाहिए। तो हम देखें दूसरा बहुपद है यह, तो इसमें पहला पद है पांच, यानी कि केवल संख्या है यानी कि केवल अचर है, तो यह केवल अचर के नीचे आएगा तो पांच को हम यहां लिखेंगे। दूसरा है सात पी क्यू, तो अब हमें देखना है पी क्यू कहाँ है, क्या यहाँ पी क्यू है, तो हम देखें यहाँ पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर है, यहाँ पी क्यू नहीं है, तो पी क्यू यहाँ है तो इसके नीचे आएगा, और लास्ट में है माइनस का तीन पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, तो पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर ये ना यहाँ आ जाएगा माइनस का तीन पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। अब हम योग कर रहे हैं, तीनों सवालों में हमने योग ही किया इसलिए चिन्ह को परिवर्तन नहीं करेंगे। अब हम इसको सरल कर देते हैं, प्लस के चार और प्लस के पांच मिलकर हो जाएंगे प्लस के नौ, माइनस का तीन पी क्यू और प्लस का सात पी क्यू, चिन्ह अलग अलग होने पर हम क्या करेंगे दोनों की बाकी करेंगे, तो चार सात में से तीन गए चार, और चिन्ह किसका आएगा जो संख्या बड़ी होगी, बड़ी सात है इसीलिए इसका चिन्ह आ जाएगा, और पीछे तो चर पद वही आएगा, प्लस का टू पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर और माइनस का तीन पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, तो यहाँ माइनस की संख्या बड़ी है इसीलिए माइनस का चिन्ह आएगा और एक अंक बड़ा है और पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। इसको यदि हम सरल करें तो एक को हम हटा सकते हैं क्योंकि एक का गुणा करेंगे तो वापस वही संख्या आएगी, तो लास्ट आंसर हमारा आ जाएगा, तो इस तरह से यह हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, माइनस पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस का फोर पी क्यू और प्लस के नौ। बढ़ते हैं तीसरे सवाल की तरफ। तीसरा प्रश्न है, अब ध्यान से समझेंगे, 12a माइनस 9ab प्लस के 5b माइनस के 3 में से 4a माइनस 7ab प्लस के 3b प्लस 12 को घटाइए, इस बार हमें घटाना है, तो सवाल कौन सी कम दे रखी है, इसमें हम ध्यान देंगे जो पहले दे रखा है उसे हम ऊपर लिखेंगे और जो दूसरे नंबर पे दे रखा है हम उसको घटाएंगे क्योंकि इसमें से हमें इसको घटाना है, तो यह चीज पहले आएगी, तो 12a माइनस 9ab प्लस का 5b और माइनस का 3, तो ये हमने पहली बहुपद को तो हमने लिख लिया। अब दूसरे बहुपद में हम वही ध्यान रखेंगे कि समान पद के नीचे समान पद आएगा, तो पहला पद जो है वह a वाला है, तो यहाँ हम देखें a कहाँ पर है, a यहाँ है, तो यह इसके नीचे ही आएगा, कोई चिन्ह नहीं इसका अर्थ वह प्लस की संख्या है। दूसरा है ab, तो ab के नीचे ab आएगी, वह है 7ab। तीसरा पद है b का, तो b के नीचे b का पद आएगा, और लास्ट में जो हमारा अचर है वह है प्लस के 12। अब यहां हमें हल्का सा ध्यान रखना है क्योंकि इस बार हमें क्या करना है, घटाना है, तो लास्ट क्लास में हमने सीखा था कि जब भी हमें घटाना होगा तो जो दूसरा पद है बहुपद है उसके सभी संख्याओं का चिन्ह परिवर्तन हो जाएगा। चिन्ह परिवर्तन करते हैं, यदि वह संख्या प्लस की है तो माइनस की बन जाएगी और यदि वह माइनस की है तो प्लस की बन जाएगी। कैसे, यह प्लस के चार है तो यह माइनस के बन जाएंगे, यह माइनस के है तो यह प्लस का बन जाएगा, यह प्लस का है तो यह माइनस का बन जाएगा, यह भी प्लस का है तो यह माइनस का बन जाएगा। अब हमें जोड़ करते समय, अब हम इसकी हम वापस जोड़ करेंगे
और चिन्ह ध्यान रखेंगे नीचे वाली का। अब हम इस चिन्हों को भूल जाएंगे क्योंकि हमने चिन्हों को परिवर्तन कर दिया है। तो माइनस का 3 और ये प्लस के 12 नहीं कहलाएंगे, ये भी माइनस के 12 कहलाएंगे। तो माइनस का 3 और माइनस के 12 दोनों माइनस है, इसीलिए माइनस ही आएगा और दोनों को हम जोड़ देंगे। प्लस के 5 भी और यह कहलाएंगे माइनस के 3 भी। तो एक प्लस का है एक माइनस का है, तो बाकी करनी है और जो संख्या बड़ी होगी उसका चिन्ह आएगा। तो 5 और 3 में 5 बड़ा इसीलिए प्लस का चिन्ह आएगा और घटाएंगे तो 2 भी आ जाएगा। ये माइनस के 9 ए बी और ये प्लस के 7 ए बी, वापस चिन्ह अलग अलग है। तो जो संख्या बड़ी है, बड़ी संख्या 9 है तो 9 का चिन्ह आ जाएगा और कितने अंक बड़ा है 2 अंक बड़ा है और पीछे हमारा ए बी आ जाएगा। और यह प्लस के 12 है और ये माइनस के 4 है, तो प्लस की संख्या बड़ी है तो प्लस का चिन्ह 8 अंक बड़ा है घटा देंगे और इस तरह हमारा तीसरे का आंसर आ जाएगा। वापस समझ लेते हैं कि समान पद के नीचे समान पद लिखना है और जब भी घटाएं बोलेगा तो हमें जो दूसरा वाला बहुपद है उसके चिन्ह चेंज कर देने हैं। अब दूसरे में देखें, चौथा है 5xy-2yz-2zx+10xyz में 3xy+5yz और माइनस के 7zx को घटाइए। फिर से घटाना है तो इस बार भी हम घटाएंगे। तो पहले हम पहले बहुपद को लिख लेते हैं 5xy-2yz-2zx+10xyz। अब यह हमारा पहला बहुपद हो गया। अब जो दूसरा बहुपद है उसमें हम ध्यान रखेंगे समान पद के नीचे समान पद आएगा। तो पहले में है प्लस का 3xy, तो xy कहाँ है, यही है, तो प्लस का 3xy। दूसरा है प्लस के 5yz, तो yz यहाँ है तो यही आएगा। और तीसरा है माइनस के 7zx, तो zx के नीचे zx आएगा। अब यहां देखें, यहाँ xyz की टर्म है, यहाँ नहीं है, तो नहीं है तो वो खाली रहेगा। अब क्या हम सीधा जोड़ेंगे, तो हम देखें सीधा नहीं जोड़ेंगे क्योंकि इस बार भी हमें क्या करना है, सवाल में घटाइए, तो चिन्हों को परिवर्तन कर देंगे। तो यह बन जाएगी प्लस की, यह बन जाएगी माइनस की, यह बन जाएगी माइनस की। जो प्लस की है वो माइनस की बन जाएगी और जो माइनस की है वो प्लस की बन जाएगी। अब इसके नीचे तो कुछ नहीं है तो यह तो सेम टू सेम आ जाएगा वैसा का वैसा। माइनस के 2zx और प्लस का 7zx, चिन्ह अलग अलग है तो बड़ी संख्या कौन है, यह वाली, तो इसका चिन्ह आएगा यानी कि प्लस का चिन्ह आएगा और दोनों को घटाएंगे तो पीछे बचेगा 5zx। इसी तरह माइनस के 2yz और माइनस के 5yz समान चिन्ह होने पर वही चिन्ह आती है और जोड़ कर देंगे, 5 और 2 मिलके हो जाएंगे 7 और पीछे yz आ जाएगा। यह 5xy प्लस के हैं और ये 3xy माइनस के हैं, तो प्लस और माइनस, तो जो संख्या बड़ी है उसका चिन्ह और दोनों को घटा देंगे तो पीछे आ जाएगा 2 और यह हमारा आंसर हो जाएगा। चौथे का आंसर हो जाएगा 2xy-7yz+5zx+10xyz। बढ़ते हैं आज के अंतिम सवाल की तरफ। इस सवाल को हमें ध्यान से समझना है और यह सवाल थोड़ा बड़ा है। लास्ट सवाल है पांचवा, 18-3p-11q+5qpq-2pq² और +5p² में से 4p²-3pq+5pq² -8p+7q और -10 को घटाइए। तो यह बहुपद बहुत ही बड़ा है, इसमें 6 पद है, तो ध्यान से करेंगे इसको, ध्यान से समझना। पहले वाले बहुपद को तो वैसे ही लिख लो, 18-3p-11q+5pq-2pq² + 5p² वापस देख लेते हैं, 18-3p-11q+5pq-2pq² + 5p² तो पहले बहुपद को तो हमने लिख लिया जैसा हमें लिखा हुआ था,
अब दूसरे बहुपद में हम ध्यान देंगे, समान बहुपद के, समान पद के नीचे समान पद, तो यहां हम देखें प्लस का पी स्क्वायर क्यू है, यानी कि जो चर पद है वह है पी स्क्वायर क्यू। पी स्क्वायर क्यू कहां है, क्या यहां है पी स्क्वायर क्यू? नहीं, यहां है, क्योंकि पी स्क्वायर क्यू चाहिए, पी क्यू स्क्वायर नहीं चाहिए, तो पी स्क्वायर क्यू यही है, तो इसके नीचे आ जाएगा प्लस के चार पी स्क्वायर क्यू। दूसरे में है माइनस के तीन पी क्यू, पी क्यू कहां है, तो हम देखते हैं पी क्यू यहां है, तो इसके नीचे आ जाएगा माइनस का तीन पी क्यू। तीसरे में है पी क्यू स्क्वायर, तो यह हमारा पी क्यू स्क्वायर यहां आ जाएगा प्लस का पांच पी क्यू स्क्वायर। अगला पद है माइनस के आठ पी, तो पी यहां है तो यही आएगा। अगला है माइनस प्लस के सात क्यू, तो सात क्यू यही आएंगे, क्योंकि क्यू पद के नीचे क्यू पद आएगा। और लास्ट में हमारा अचर पद है माइनस के दस, वो हम यहां लिख लेंगे। अब फिर से हमारे पास आया है घटाइए, तो घटाइए का अर्थ होता है कि हमें बाद वाले जो बहुपद है उसके चिन्ह परिवर्तन कर देने हैं। तो यह जो माइनस का है यह बन जाएगा प्लस का, यह भी बन जाएगा प्लस का, यह बन जाएगा माइनस का, यह बन जाएगा प्लस का, यह बन जाएगा माइनस का, और यह भी हो जाएगा माइनस का। अब हम सिंपल कर लेते हैं और आंसर प्राप्त कर लेंगे। प्लस के पांच पी स्क्वायर क्यू में माइनस के चार पी स्क्वायर क्यू करेंगे, तो अलग अलग चिन्ह होने पर बड़ी संख्या का चिन्ह, और पांच में से चार जाएगा, एक बचेगा, और पीछे आ जाएगा पी स्क्वायर क्यू। दूसरे में हम देखें तो यह भी माइनस है, यह भी माइनस है, तो दोनों माइनस होने पर दोनों की जोड़ कर देंगे, तो पांच और दो हो जाएंगे सात, और पीछे जो हमारा चर पद है वही का वही आ जाएगा। यहां भी प्लस के पांच पी क्यू है, यहां भी प्लस के तीन पी क्यू है, तो जुड़ जाएंगे, तो प्लस के आठ पी क्यू। ये भी माइनस के ग्यारह क्यू और यह भी माइनस के सात क्यू, फिर से जुड़ जाएंगे, क्योंकि दोनों माइनस के इसीलिए जुड़ जाएंगे, और वही चिन्ह आएगा। यह माइनस के तीन पी और ये प्लस के आठ पी, तो अलग अलग चिन्ह होने पर बड़ी संख्या कौन है, यह वाली, तो इसका चिन्ह आएगा, और दोनों को घटा देंगे, और यह अठारह प्लस के और यह दस भी प्लस के है, तो मिलके हो जाएंगे अट्ठाईस। तो हमारा लास्ट आंसर होगा अट्ठाईस प्लस के पांच पी माइनस के अठारह क्यू प्लस के आठ पी क्यू माइनस के सात पी स्क्वायर क्यू और प्लस का पी स्क्वायर क्यू, ये पी क्यू स्क्वायर है। अब हम इसको एक बार थोड़ा व्यवस्थित कर लेते हैं, जो चर की घात अधिकतम उसको हम पहले लिखते हैं, तो एक का गुणा इससे करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा पी स्क्वायर क्यू, क्योंकि एक का गुणा करने पर वापस वही। अब हम इसको लिखते हैं माइनस के साथ पी क्यू स्क्वायर, फिर हम लेते हैं पी क्यू की टर्म प्लस के आठ पी क्यू, फिर प्लस के पांच पी माइनस के अठारह क्यू और प्लस के अठाईस। कुछ नहीं, हमने इन सारे पदों को एक बार वापस व्यवस्थित कर लिया, जो चर की अधिकतम घात है उसे पहले लिखा और केवल अचर को हमने लास्ट में लिखा। यह आंसर भी सही है और यह भी सही है। तो आज की क्लास में हमने प्रश्नावली 9.1 से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल किया। नेक्स्ट क्लास में हम प्रश्नावली 9.2 और 9.3 से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। धन्यवाद।